दोस्तों, क्या आपको पता है कि डंग बीटल एकमात्र ऐसा इंसेक्ट है जो कि एनिमल वेस्ट यानी कि जानवरों के गोबर में रहना पसंद करते हैं। ये इन्हीं डंग को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इन्हीं में अपना अंडा देते हैं और बच्चों को बड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल यह उठता है कि कैसे डंग बीटल जानवरों के द्वारा निकाले गए इस वेस्ट में जीवित रह पाते हैं। दोस्तों, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब और इसके अमेजिंग लाइफ साइकिल के बारे में आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पृथ्वी पर हर साल जानवरों के द्वारा बिलियंस ऑफ टन एनिमल वेस्ट निकाला जाता है। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना एनिमल किंगडम के द्वारा ठीक उतना ही वेस्ट प्रदान किया जाता है जो कि विक्टोरिया फॉल के वाटर वॉल्यूम को मैच कर सकता है, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह डंग डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में प्लांट ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है। दरअसल डिकम्पोज हुआ गोबर और एनिमल वेस्ट नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस का एक अच्छा स्रोत होता है, जो कि सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को बूस्ट करने के साथ साथ सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। लेकिन आपको बता दें कि एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज होने में कुछ महीनों से लेकर कई सालों का समय लग जाता है, जो कि एक काफी लंबा प्रोसेस होता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ इन जानवरों के द्वारा रोजाना बड़े तादाद में एनिमल वेस्ट निकाला जाता है और यहीं से काम शुरू होता है एक डंग बीटल का। दरअसल डंग बीटल के पास कमाल की सूंघने की क्षमता होती है, जिससे वह अपने आसपास किए गए जानवरों के मल को कई किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है और गोबर का पता लगाने के बाद यह इन गोबर का इस्तेमाल अपने भोजन के रूप में करता है और अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद यह इन्हीं गोबर में अपने अंडे देते हैं ताकि अंडों से निकले लार्वा को भोजन मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि आज इस पृथ्वी पर डंग बीटल की लगभग 6000 प्रजातियां निवास करती है, जो कि मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, रोलर, ड्वेलर और टनलर, जिसमें रोलर साइज में सबसे बड़े होते हैं, लगभग 1.5 इंच तक। इनका काम गोबर के छोटे छोटे बॉल बनाकर उन्हें मिट्टी में चेम्बर बनाकर स्टोर करना होता है। वहीं टनलर जानवरों के द्वारा दिए गए गोबर के ठीक नीचे टनल बनाकर डंग के छोटे छोटे टुकड़ों को स्टोर करता है, जो कि 3 फीट तक गहरा होता है और दिखने में एक कॉलोनी के समान होता है। जबकि ड्वेलर डायरेक्ट डंग यानी कि गोबर में रहना पसंद करते हैं, गोबर को खाते हैं और इन्हीं गोबर में अपना अंडा देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक सवाल यह उठता है कि डंग बीटल आखिर कैसे डंग को खाते हैं और उसमें सरवाइव कर पाते हैं, तो चलिए इसके पीछे के तथ्यों को जानते हैं। दरअसल जानवर अपने द्वारा किए गए भोजन के मात्र 50-70% भोजन को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, बाकी के बचे हुए 30-50% भोजन उनके द्वारा वेस्ट के थ्रू निकल जाता है। डंग बीटल इन्हीं 30-50% बचे हुए वेस्ट फूड को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एनिमल के द्वारा बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस का न होना भी नेचर में एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जब गाय, भैंस, जिराफ, जेबरा और हिरन जैसे शाकाहारी जीव भोजन करते हैं तब वह भोजन के रूप में पेड़ों के बीज को भी खा लेते हैं। लेकिन इनके बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन न होने के कारण यह बीज बिना डैमेज हुए ही बाहर निकल जाते हैं, जिस कारण से पेड़ों के यह बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं और इन बीजों से नए पेड़ का जन्म होता है और इसी तरह जंगलों का विस्तार होता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के बचे हुए वेस्ट प्रोडक्ट को डंग बीटल खाकर उसके डिकम्पोजिशन को काफी फास्ट कर देते हैं। दोस्तों, जब डंग बीटल के विभिन्न प्रजातियों के आधार पर जब डंग को स्टोर करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब डंग बीटल अपने बनाए हुए बॉल्स में एक एक अंडे देती है। अब इन अंडों से लार्वा को बाहर निकलने में 1-2 दिनों का समय लग जाता है। अंडों से बाहर निकलने के बाद यह लार्वा डंग को खाना शुरू कर देता है और एक वयस्क होने की प्रक्रिया में लगा रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रोलर और टनलर डंग बीटल अपने लाइफ साइकिल के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के दौरान अनजाने में ही एनिमल के डंग को सॉइल के सरफेस से प्लांट के रूट जोन में पहुंचाने का काम करता है, जहां लार्वा के द्वारा इसे काफी तेजी से खाकर डिकम्पोज कर दिया जाता है, जिससे पेड़ों को भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। दोस्तों, लार्वा डंग को खाकर लगभग 1.5 इंच तक बड़े हो जाते हैं। इनके पास 3 जोड़ी पैर भी होते हैं, वहीं इनका शरीर सी शेप का होता है। लार्वा स्टेज में लगभग 22 दिन रहने के बाद यह अपने लाइफ साइकिल के तीसरे चरण यानी कि प्यूपा स्टेज में चले जाते हैं। प्यूपा स्टेज में डंग बीटल लगभग 11 दिनों तक रहते हैं, जिस दौरान इनके शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि आंख, सिर, पैर, एंटीना, पंख तथा शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है और फिर प्यूपा के खोल को तोड़कर एक डंग बीटल बाहर निकलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि डंग बीटल कॉलोनी या फिर अपने परिवार के साथ ही रहना पसंद करते हैं और अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर 1-3 सालों तक जीवित रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।